धारदार हथियारों है पानी लगा वाले भी युवक पर हमलो करे। आज वो युवक अपने बीच के अंदर कोनी जो हमलावर है पहला घात लगाया बैठा हा। जो रात ने लगभग 9:30 बजे के बीच में है घराऊ चालियो अकेले पानी लगाने ने खेत के अंदर अफरा तफरी मच गई, हाहाकार मच गयो। पूरा गांव के अंदर मक्कासर गांव में आग की तरह खबर फैल गई। चश्मदीद गवाह जो घटना रात को 9:10 बजे के होना बता रहा है। ई टाइम अपा मौजूद हा मक्कासर रोही के अंदर और पीछे जो थे मेरे वो खेत देख पावला रहे हो। एक तरीके ई खेत के अंदर पानी लगाने ने एक युवक आयो, मक्कासर निवासी युवक भी दौरान ही 4-5 हमलावर है भी आया और धारदार हथियारों है पानी लगा वाला रे भी युवक पर हमलो करे। आज वो युवक अपने बीच के अंदर कोनी और लहूलुहान हालत के अंदर है भी की बॉडी है सुबह खेत के अंदर मिली भी के बाद में लोगों ने पतो लाग्यो। तो पूरा जो मामलो है थाने दिखाऊंगा अंदर जाके के तरीके घटनास्थल और हो तो वीडियो है लास्ट तक जरूर देखिए और वीडियो ने शेयर जरूर कर दियो। अब आप आ चुके हैं हाँ पूरा जो घटनास्थल है बठाई आगे की जो मौके की लोकेशन है वह भी थाने दिखाऊंगा। लेकिन फिलहाल खातर जो जो क्राइम सीन है जो घटनास्थल वो थे देख पावल रे बाजरा का जो सिट्टा खड़िया है और आगे लारले पास है ई तरीका हूँ। मतलब पहला जो हमलावर है पहला हूँ घात लगाया बैठे हा का आज रात में पानी की बारी है और पानी लगाने आवागो मृतक और भी दौरान भी के ऊपर धारदार हथियार हूँ हमलो करना सारों को सारो प्लान है पहला हूँ क्रिएट करेड़ो हो और भी के बाद के अंदर घटना ने अंजाम दिए गए। और सुबह जब पड़ोसी आसपास का लोग जब परला पास पहुंचा तो लोगों ने पतो चालियो का अठाई तरीका वो कांड है घटनाक्रम वो हो गयो। भी के बाद के अंदर है जो लोग जो मामले की जानकारी हनुमानगढ़ जंक्शन पुलिस ने दी। जंक्शन थाना प्रभारी विष्णु खत्री और जाप्तो लेके मौके पर पहुंचे। भी के अलावा जो सीओ सिटी है अरविंद बेरड़ वे भी पहुंचे और जो एडिशनल एसपी है बनवारी लाल मीणा वे भी मौके पर पहुंचे और सारों को सारों जो घटना को क्राइम सीन है जो देखी और भी के बाद के अंदर गंगानगर जो एफएसएल टीम है वह भी बुलाई और जो साक्ष्य है जो सबूत है बेहड़ों जुटाया गया और सबूत का आधार के ऊपर है जो आगे की कार्रवाई पुलिस करेगी। मतलब यानी कि मेगा यानी कि हाईवे है सूरतगढ़ 4 लाइन इले पास रह जाए हनुमानगढ़ और इन्ना आगे रह जाए सूरतगढ़ पीलीबंगा रास्ता वो सामने एक पेट्रोल पंप है और यानी कि अब वर्तमान के अंदर तो पेट्रोल पंप की हड़ताल चला लाग रही है। लेकिन अगर पेट्रोल पंप वगैरह की हड़ताल नहीं होती तो पेट्रोल पंप कर्मी भी रात में बैठा होता मौका पर खड़ा न खड़ा घटना इतनी कहीं को नहीं होती। आज जो लोकेशन देख पा रहे हो बड़ी ही दूरी को जो सफर तय करके आप आया हाँ पैदल आया हाँ क्योंकि हटाया जो साधन संकरा है और निचला पास ये जो खड़ा देख पा रहे हो ये खड़ा के अंदर यहाँ ही खेतों के अंदर जो पानी लगाई जाए पानी की बारी हो एक तो पानी की बारी लगाने कुलदीप सारण रात ने आयो हो अठे परला पास कुलदीप की जो बॉडी है वह मिली है पानी जो लगाने खातर जो रात के टाइम जो आया है कुलदीप सारण और इला पास जो खड़ो है और वो खोलेड़ो भी है पानी लगाने और आगे तक पानी है जो गयो भी और इन्हों आगे है जो आपके खेत के अंदर पानी लगे क्योंकि टी पॉइंट बनेड़ो हेठे आधो पानी आगे गयो आधो यानी कि इन्हें पानी बंद करियो और परने से बंद करियो और आगे पानी है जो परला पास पानी छोड़ेगी और आ ही बस जगह है जठे क्राइम सीन रात ने क्रिएट हो जितना भी धारदार हथियार हूँ कुलदीप सारण के ऊपर अठे ही वार कराया गया अठे ही लहू लुहान कराया गया। जो खेत है वो कुलदीप सारण को ही खेत है और क्राइम सीन है अठे और इतनी ही दूरी के अंदर वो घटनाक्रम है वो घटित होड़ो है। और बता दूं थाने जो मृतक जो कुलदीप सारण है विवाहित हो और कुलदीप सारण का जो एक बेटो है एक पुत्र हो और आपके माँ बाप का कुलदीप सारण भी इकलौते हो। कुलदीप की एक बहन है जो सवाई माधोपुर के अंदर है जो सरकारी शिक्षक है अभी कुछ दिन पहले ही लगी और कुलदीप के और जो घटनाक्रम होने के बाद के अंदर जब घर जब जानकारी मिली मामले की तो घर कोहराम मच गया। जाहिर सी बात है एक बुजुर्ग माता पिता को जो एक इकलौतो पुत्र वो आज ही दुनिया में कोनी रहे हो तो जाहिर सी बात है माता पिता के ऊपर के बीतरी होगी। और एक अंदर सारी बड़ी बात है का आखिर हमलावर कुलदीप सारण ने क्यों ई तरीका बेरहमी हूँ ई तरीका हूँ मारियो क्यों के बात ही के कारण हो के कोनी। लेकिन कुलदीप सारण का जो पिता है वे 4-5 लोगों के ऊपर है जो मुकदमों भी दर्ज करवाए और बात भी आप बताइए कि पानी की बारी ने लेके ई तरीका हूँ शायद कोई घटनाक्रम ने अंजाम दियो गयो है। लेकिन झलको हनुमानगढ़ चैनल है इस चीज़ की पुष्टि को नहीं करा बिल्कुल ही कि पानी की बारी ने लेके या ए लोग मारियो। लेकिन कुलदीप सारण का जो पिताजी है वह 4-5 लोगों पर मामलों दर्ज करवायो है अब पुलिस है जो मामले की जाँच करेगी। बता दूं थाना कुलदीप सारण है जो रात ने लगभग 9:30 बजे के बीच में है घराऊ चालियो अकेले पानी की बारी पानी लगाने खेत के अंदर जब सुबह तक कुलदीप सारण आपका घर वापस को नहीं लौटे तो जब घर का है कुछ ना कुछ अनहोनी की आशंका हुई कि सुबह का 10-11 बज चुके हैं कुलदीप सारण आज तक घर क्यों को नहीं है। बाद के अंदर जाके अठा खेत के अंदर आगे देखियो तो जो नर्मा की फसल है भी फसल के बीच के अंदर जो नौजवान कुलदीप सारण है भी को शव है शत विशत अवस्था के अंदर लहू लुहान हालत के अंदर पड़े मिलियो। भी के बाद के अंदर अठा इतो ज़्यादा अफरा तफरी मच गई हाहाकार मच गयो। पूरा गांव के अंदर मक्कासर गांव में आग की तरह खबर फैल गई यानी कि पूरे जिले में पूरे शहर में आग की तरह खबर फैल गई कि खेत के अंदर धारदार हथियारों है एक नौजवान ने ख़त्म कर दिए गए। भी के बाद के अंदर जंक्शन पुलिस भी मौके पर पहुंची और थाना प्रभारी आप मौके पर पहुंचे और जो सीओ सिटी है अरविंद बेरड़ वे भी
पहुंचा। एडिशनल एसपी बनवारीलाल मीणा वे भी मौके पर पहुंचा और जो गंगानगर में जो एफएसएल की टीम है वह भी बुलाई गई और ये मामला की जल्दी ही है खुलासो है जो जंक्शन पुलिस कर देगी। जाहिर सी बात एफएसएल टीम है मौके पर आई, कुछ क्लू भी लिया है और बी के बाद के अंदर कुलदीप सारणा जो मृतक की बॉडी है टाउन के जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाई गई और पोस्टमार्टम के बाद के अंदर है परिजन ने कुलदीप सारण की डेड बॉडी सुपुर्द कर दी गई। आज कुलदीप सारण अपने बीच के अंदर कोनी जो हमलावर है वे आपकी मंशा जरूर पूरी कर ली। कुलदीप सारण ने मार के एक परिवार को जो आपका केस का एक परिवार को सहारो है वो सहारो छीन लियो, क्योंकि कुलदीप सारण आपका घर इकलौतो पुत्र हो, अब बुजुर्ग माँ बाप को जो बुढ़ापा को जो सहारो है वो दुनिया के अंदर कोनी। और अब पुलिस बारीकियों है मामले की गहनताओं बारीकियों जाँच कर ला रही, ये मामले के अंदर जल्दी ही है पुलिस को कहना है जो भी हमलावर है आरोपी है बने जल्दी ही है राउंड अप कर लियो जाओगे। और बता दूं थाना आरोपी जटों भाग्या है, क्योंकि आरोपी मैंने लगा कि आरोपी बीच में खेता के अंदर भाग्या होगा क्योंकि अगला बस पेट्रोल पंप पर सीसीटीवी कैमरा लग रहा है बाघ अंदर पकड़ में आ जाए। अब नहीं तो आगे भी सीसीटीवी फुटेज और भी बहुत है तो सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी आज नहीं तो देर सवेर कदे न कदे पकड़ के अंदर आ ही जाएगा और जी पकड़ में होगा तो दर्शकों ने सारो प्रकरण को खुलासो है आप करके बताऊंगा आखिर कुलदीप सारण ने मारा नारा कौन है। थाना अधिकारी जंक्शन को सूचना मिली कि 4 एसटीजी की रोही में एक बॉडी पड़ी है तो मौके पर आके मैंने एसएचओ और हमारे सीओ ने देखा वहाँ कुलदीप सारण की बॉडी पड़ी थी और उसका जो एक सस्मदीद गवाह जो घटना रात को 9-10 बजे के होना बता रहा है पवन कुमार है, वो करीब 4-5 लोग आके उन्होंने उसके मारपीट की इस प्रकार की उसको मार दी। अभी तक तो ऐसा कोई कारण सामने नजर नहीं आया, अभी इसके अनुसंधान जारी है, वो कर रहे हैं अनुसंधान कर रहे हैं मौके पर देखते हैं संकलित करके साक्ष्य क्या साक्ष्य है उसके हिसाब से कार्रवाई करें। तो वो पूरा मामलो वीडियो के प्रति थारी के राय है कि सुझाव है वो कमेंट बॉक्स के माध्यम कमेंट करके मान जरूर बताओ। झलको हनुमानगढ़ चैनल पर अगर थे नया तो चैनल ने सब्सक्राइब कर दो, पास में दे बेल आइकन के बटन दबा दो, वीडियो ने ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो। थर गांव में या आसपास में कोई समस्या है तो नीचे डिस्प्ले हमारा झलको हनुमानगढ़ चैनल का मोबाइल नंबर चल रहा है, इन नंबर पर थे माना फोन करो मैसेज करो, मैं थारा गाँव में पहुंचाऊंगा, थारी समस्या उठाऊंगा, थारी आवाज उठाऊंगा। अंतो मन दे इजाजत, जय हिंद जय राजस्थान जय हनुमानगढ़।